नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 का अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रही है। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म फिल कर दिया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं। तो जो जो नहीं किए हैं वो भी एक बार देख लीजिए और जो जो कर चुके हैं वो भी एक बार देख लीजिए। क्योंकि देखिए, सभी स्टेट में कितना कितना सीट है, यानी कि सभी जो आरआरबी का जोन है वहां पे कितना कितना सीट है आप सभी को पता है, लेकिन अभी तक कंपटीशन कितना हो गया है ये आप लोगों को पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को हर एक आरआरबी जोन में कितना कितना अभी तक फॉर्म फिल हो चुका है उसका डाटा आ गया है दोस्तों आज तक का। और एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों को चार ऐसे जोन बताने वाला हूं जहां पे बहुत ही ज्यादा संख्या में फॉर्म फिल हो रहा है, और चार ही ऐसे जोन बताने वाला हूं, हालांकि उन जोन में सीट की संख्या कम है और वहां पे फॉर्म फिल भी कम हो रही है, लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे सीट की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी फॉर्म की संख्या कम है। तो चलिए इन सभी जोन का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं दोस्तों जो बताने वाला हूं वो है आप लोगों को मुजफ्फरपुर जोन। तो मुजफ्फरपुर जोन में आप देख सकते हो टोटल तो सीट की संख्या बहुत ही कम है, 38 है, ठीक है, यानी कि 38 है, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्म फिल करने की बात करें, देखिए कल बहुत सारे कैंडिडेट, अगर मैं मुजफ्फरपुर का नहीं बताया था तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। तो ये मुजफ्फरपुर ना, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं अभी भी सीट की संख्या कम होने के बावजूद भी 70,000 प्लस, यानी कि 70-75,000 प्लस यहाँ पे फॉर्म फिल हो गया है दोस्तों। क्योंकि देखिए जितने भी नॉर्थ साइड में, जितना जैसे कि यूपी हो गया आपको, यूपी के बाद बिहार हो गया, इधर जो भी नजदीक इलाका वाले हैं ना वो ज्यादातर अपने नजदीक का आरआरबी जोन प्रिफर कर रहे हैं। हालांकि सीट कम है लेकिन वो लोग फिर भी अपने नजदीक का जोन में अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से फॉर्म ज्यादा फिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट उल्टा कमेंट करने वाले हैं, तो उन लोगों को इग्नोर कीजिएगा, आप एक बार वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जानकारी रहे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऐसा कमेंट इसलिए भी करते हैं कि उस जोन में कम ही फॉर्म फिल हो, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देख रहे हैं जो लोग अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग घबराइए नहीं, आप जहां सोच रहे हो, जिस आरआरबी जोन में सोच रहे हो उसी में फॉर्म फिल कीजिएगा। बस आप एक बार कॉम्पिटिशन किस किस जगह पे कितना कितना है ये जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आप अपने तैयारी में कदम आगे रहे, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर का जो जोन आता है ना दोस्तों वो आपका चेन्नई जोन। देखिए चेन्नई जोन में टोटल 148 सीट है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भी फिल कितना हुआ है ये आप लोगों को 70,000, यानी कि 70,000 प्लस फॉर्म आज तक हो गया है दोस्तों, अभी तक 70,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों जम्मू एंड श्रीनगर। तो ये जम्मू वाले में आपका सीट की संख्या 38 है, लेकिन देखिए फॉर्म फिल के मामला में जम्मू में दोस्तों अभी तक 24,000 है, ठीक है, 24,000 है। अब देखिए आप अपना कंपटीशन देखना चाहते हो ना तो देखते जाइए दोस्तों, सीट की संख्या कम है वहां पे फॉर्म फिल कम हो रहा है, जहां सीट की संख्या ज्यादा है वहां पे फॉर्म फिल ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए जहां सीट की संख्या ज्यादा है वहां सिलेक्शन का चांस ज्यादा है, जहां कम है वहां पे चयन की संख्या, सिलेक्शन की चांस कम है, ये सभी को, आप सभी को तो पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है पटना। तो पटना में 38 सीट है, लेकिन देखिए पटना में क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर पटना का भी बता दीजिए, पटना में क्या है। तो पटना में भी आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, पटना में हालांकि अभी ये 15-16 हजार के आसपास ही फॉर्म फिल हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, हालांकि सीट कम है और बिहार में है, लेकिन बिहार के ज्यादातर कैंडिडेट जो एलपी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग बाहर आरआरबी जोन में ही प्रीफर कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सीट की संख्या पटना में कम है। अब आ जाता है आपका दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें दोस्तों तो 280 सीट है, और 280 सीट है इसलिए वहां पे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि कोलकाता साइड का भी बहुत सारे कैंडिडेट, उड़ीसा का भी बहुत सारे कैंडिडेट, और इधर आसपास की जैसे कि आपका एमपी, छत्तीसगढ़, आसपास के बहुत इलाके में, क्योंकि भुवनेश्वर थोड़ा नजदीक पड़ता है, ठीक है। तो इसमें 280 सीट है हालांकि, लेकिन 1,70,000 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिल अभी तक डाटा आने तक फॉर्म फिल कर चुका है। अब देखिए डाटा कहाँ से आ रहा है, तो आप जाकर के भी नजदीकी साइबर कैफे में आप जाकर के बैठ जाओगे ना तो अगर वो फॉर्म फिल कर रहा होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। क्योंकि देखिये
फॉर्म फिल करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का डाटा मिलता है, रजिस्ट्रेशन शो नहीं कर सकते किसी का, तो वहां पे दोस्तों उससे पता भी चल जाता है। साथ ही साथ आप अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा एक्स्ट्रा, और आपके पास एक क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके पास एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी होगा, आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, आधा से लगभग 10-20 हजार तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जो आप लोगों का कंपटीशन कम कर देगा हर एक जोन में, जो या तो उसमें फी पटा नहीं रहेगा या तो उसको कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, ऐसा भी रहने वाली है। हर एक जोन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, तो ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका मालदा, तो मालदा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे 217 प्लस सीट है। अब 217 प्लस सीट है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या है वो 1 लाख प्लस जाएगा ही, तो 1 लाख प्लस जा रही है। और लास्ट के जो 7 दिन होता है उसमें, अभी देखिए अभी जो फॉर्म भरने की संख्या है ना, वो बहुत ही स्पीड में बढ़ने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ने वाली है फॉर्म की संख्या, क्योंकि लास्ट आने वाला है और लास्ट से पहले फटाफट सब के सब फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट लास्ट डेट को वेट नहीं करते हैं, 5-6 दिन पहले ही वो अपना जोन डिसाइड कर लेते हैं और फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में हैंग होना या फिर लैग होना एक या फिर वेबसाइट खुलता नहीं है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हर एक विभाग का, इसीलिए, ठीक है। चक्षु प्रकाशन की तरफ से है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आ गया है। अब स्टडी गाइड के बारे में पहले बता देता हूं आप सभी को कि इसमें संपूर्ण जानकारी नवीनतम पैटर्न पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% सिलेबस के आधार पर रहेगा और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 सॉल्वड पेपर मिलेगा प्रीवियस जब भर्ती आई थी उस समय का, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बता दूं, और आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक बहुत फायदा करेगा आपका जो क्वेश्चन हल करने का स्पीड है, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न को हल करने का, तो प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा लेकिन 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2 सॉल्वड पेपर मिलेगा, जो आपका जो तैयारी है ना उसमें आप एक कदम आगे रहोगे, तो जरूर इस बुक को आप हो सके तो प्रैक्टिस सेट ले ही लीजिएगा और स्टडी गाइड को संपूर्ण तैयारी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहां से बाय कर सकते हैं या फिर अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर नजदीकी बुक स्टॉल से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों कोलकाता, तो कोलकाता में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सीट है, तो कोलकाता जितने भी कैंडिडेट अभी फॉर्म फिल कर चुके हैं वो लोग भी, उनको तो पता ही होगा यहाँ पे 350 प्लस सीट है, और 350 प्लस सीट है तो लगभग 2 लाख के आसपास फॉर्म फिल हो चुकी है, यानी कि 195 के अभी तक फॉर्म फिल हो चुकी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए कोलकाता, और देखिए कोलकाता, ठीक है, कोलकाता एक ऐसा है डिवीजन जहां पे कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर में 2-3 डिवीजन पड़ता है वहां पे, हालांकि इसमें से सिलीगुड़ी यहां पे सीट कम है, लेकिन ये तीनों जगह में बहुत ही ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि देखिए रांची, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब वाले कैंडिडेट ज्यादातर उधर ही प्रीफर कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों भोपाल, तो भोपाल में तो दोस्तों 284। अब देखिए भोपाल में भी बहुत एमपी हो गया, राज्य एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये ज्यादातर कैंडिडेट इसमें भोपाल में फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक भोपाल में 190 के, ठीक है, यानी कि 1,90,000 प्लस कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर चुके हैं दोस्तों अभी तक, ठीक है। ये हो गया भोपाल। अब आ जाता है दोस्तों अजमेर, अजमेर में भी 1,80,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मैं जो बता रहा हूं ना दोस्तों, ये सब डाटा आप देख लीजिएगा, और लास्ट में जब वैकेंसी का लास्ट हो जाएगा तब भी, यानी कि फॉर्म फिल खत्म हो जाएगा तब मैं RTI लगा करके आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप सभी को सब कुछ पता चल सके, अपना कंपटीशन भी पता चल सके कौन सा स्टेट में कितना है, उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर हो सकते हैं, उसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद भी यहाँ पे 238 सीट है लेकिन फॉर्म की संख्या यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिये अहमदाबाद में 1,50,000 के आसपास अभी तक फॉर्म फिल हो चुका है दोस्तों, ठीक है।
तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका मुंबई। तो मुंबई डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जहां पे फॉर्म की सीट भी ज्यादा रहता है, फॉर्म की संख्या भी ज्यादा जाता है और कटअप भी कम रहता है। इसके वजह से मुंबई में 547 सीट है सबसे ज्यादा, और 547 सीट में स्वाभाविक सी बात है 210,000 फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बेंगलोर। बेंगलोर डिवीजन का लास्ट टाइम का तो आपको पता है, पूरा भारत देश में चाहे किसी भी एग्जाम हो, 2019 भर्ती नहीं बोल रहा हूं, 2018 में ये एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी उसमें सबसे कम कटअप कहां गया था तो वो बेंगलोर में था। 2018 में जब ग्रुप डी की भर्ती आई थी सबसे कम कटअप कहां गया था, बेंगलोर में गया था। हालांकि 2019 वाली भर्ती में सभी कैंडिडेट को कटअप पता चल गया था, जिसकी वजह से वहां ज्यादा फॉर्म गिरा और सबसे ज्यादा कटअप वहीं गया था। तो ये बेंगलोर में दोस्तों 473 सीट है, और 473 सीट होने के बावजूद यहाँ पे 1,85,000 प्लस, ठीक है, आपको फॉर्म अभी तक गिर चुका है। अब देखिए आ जाता है क्या सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में अभी तक दोस्तों 658 सीट में 2,25,000 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहां पे फॉर्म ऑलरेडी गिर चुका है। ये टॉप के जो जोन है, जो जिसमें फॉर्म की संख्या ज्यादा है, ये आप लोग समझ लीजिए, जिसकी वजह से वैकेंसी भी ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है फॉर्म की संख्या ज्यादा रहती है, ठीक है। अब लास्ट में आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर जोन में तो भैया 4,00,000 के आसपास अभी तक फॉर्म गिर चुका है। कल कम था, आज ज्यादा हो गया है, क्योंकि कल 2,50 था, आज 1,50 बढ़ गया, क्योंकि सारे स्टेट के ज्यादातर कैंडिडेट बिलासपुर जोन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या भी कम है इसके वजह से, और स्वाभाविक सी बात है सेकेंड स्टेज के लिए जो बुलाया जाएगा उन कैंडिडेट को भी संख्या ज्यादा रहेगा, इसके वजह से इस जोन में ज्यादातर फॉर्म फिल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब अगला जो जोन आ जाता है ना दोस्तों, वो आपका प्रयागराज। अब ये प्रयागराज भी एक अच्छा जोन है, 286 है, स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, तो उत्तर प्रदेश वाले में हर एक जोन में ज्यादातर फॉर्म फिल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 190 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है दोस्तों, ठीक है, 190 प्लस के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद रांची जोन आता है, तो रांची में दोस्तों अभी तक लगभग 1,00,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ है, और टोटल अगर हम बात करें तो अभी तक के बारे में कि 25,00,000 से भी प्लस कैंडिडेट ने, 25.5 लाख से भी प्लस कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म फिल कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से डाटा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं जब इस वैकेंसी का कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा तब मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी का बता देगा कि कितना फॉर्म फिल हुआ है। और देखिए डेली आप लोगों को इसलिए अपडेट दे रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं उन सभी को पता रहना चाहिए, ताकि वो लोग अभी फॉर्म फिल करें तो अपने हिसाब से करें, और उनको पता रहे कि यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कंपटीशन कम है तो यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहिए, जिससे उनका सिलेक्शन में एक कदम आगे रहे। आप अपना डिसाइड खुद कीजिएगा दोस्तों, ताकि सिलेक्शन आपके तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो जोन पता चला है उनका अभी मेरे पास डाटा नहीं आया, लेकिन आपको बता दूं ये जो गोरखपुर जोन है ना, गोरखपुर यूपी के अंतर्गत आता है, हालांकि 43 सीट है, लेकिन यहाँ पे भी फॉर्म की संख्या ज्यादा जा रही है। अब ये चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ पंजाब, पंजाब वाले ये ज्यादातर फॉर्म फिल करते हैं, सिलीगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी में तो कम फिल जा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन आप किस जोन से है, किस जोन में भरने वाले हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका अगर सवाल है तो। अब देखिए पांच जो जोन है ना, आप इसी से देख सकते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर फॉर्म फिल कहीं हो रहा है तो वो बिलासपुर के है, दूसरा नंबर पे आपका सिकंदराबाद है, तीसरा नंबर पे आपका प्रयागराज, चौथा बेंगलोर, पांचवा भोपाल, ठीक है, इन सभी जगह पे फॉर्म सबसे ज्यादा फिल हो रहा है। अब देखिए धीरे से आपका एक जोन और देखेगा, लास्ट में देख लीजिएगा, एक जोन ऐसा बताने वाला हूं जहां पे फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, वो आप लोगों को चेन्नई का। और चेन्नई एक ऐसा जोन है दोस्तों जहां से मैं खुद था चेन्नई में, तो मुझे पता है जब ट्रेन से जा रहे थे ना, जितने कैंडिडेट बिहार के, यूपी के, ज्यादातर कैंडिडेट साउथ में एग्जाम देना प्रिफर करते हैं। तो आप लोगों को देख लीजिएगा दोस्तों, ये त्रिवेंद्रम और चेन्नई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं यहाँ पे फॉर्म की संख्या ज्यादा गिरने वाली है एंड समय तक, मैं पहले ही आप लोगों को नोटिस कर दिया हूं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को सबसे ज्यादा फॉर्म वाला आरआरबी जोन भी बता दिया, सबसे कम फॉर्म वाला आरआरबी जोन आप ऑलरेडी बोर्ड में ही देखे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का पूरा डिटेल्स आप लोगों को पता लग गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों,
और एक चीज मैं बता दूं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, डेली नई नई भर्ती के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आरआरबी लोको पायलट का आप लोगों को बता दूं, अगर आरआरबी लोको पायलट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेली का कंपटीशन जानने के लिए कितना फॉर्म फिल हो गया है, कितना नहीं हुआ है और कितना लास्ट में जो कंपटीशन है वो है, तो सब कुछ जानने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।